हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ MZS Woodwork की एक और हेल्पफुल वीडियो में। लकड़ी के काम की आसान भाषा में सभी जानकारियां शेयर करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप अपनी दराज पर या किसी भी चीज की टक्कर पर PVC टेप को किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेरे पास ये दराज है, मैंने इस पर ये PVC टेप को लगाया है। इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है और इसको आप प्रॉपर तरीके से कैसे लगा सकते हो, इस वीडियो में मैंने आपको बारीकी के साथ ये जानकारी शेयर की। आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखना है। दोस्तों, ये जो PVC टेप टक्कर पर लगाने वाला हूँ, ये मैं हीटेक की मदद से लगाने वाला हूँ। दोस्तों, काफी कम समय में हम हीटेक की मदद से काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ अपने टक्कर टेप को लगा लेते हैं। ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपको वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है ताकि आपकी भी समझ में आ जाए लाइव बोर्ड की टक्कर पर PVC टेप को किस तरह से लगा सकते हैं। जो इसका प्रॉपर तरीका होता है और आसान तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इस टेप को हीटेक्स की मदद से लगाने वाला हूं और ये काफी ज्यादा बेस्ट होता है प्रोबॉन्ड के मुकाबले। अगर हम प्रोबॉन्ड लगाते हैं तो उसमें हमें मास्किंग टेप की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से लगा देते हैं कोई भी मास्किंग टेप की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी प्रॉपर तरीके से सेटिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आपको इसकी लंबाई के हिस्से में इसको नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको इसकी चौड़ाई के हिस्से में लगा लेना। आपको PVC टेप को रखना है, उसके बाद इसकी आपको एक मार्किंग उतार लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, हमने अपने साइज में इसकी मार्किंग उतार ली है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, काटी की जरूरी है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसकी मदद से। दोस्तों, इस तरह से आपको ये कटिंग कर लेनी है, तो आप देख सकते हैं, आप इसको, आपको ये आधा सूत फालतू ही काटनी है, एक सूत या आधा सूत आपको अपनी टक्कर से फालतू काट लेनी है। हमको इसके डबल पीस चाहिए, जो कि एक हमारा पीस यहाँ पर लगेगा और सेम इसी तरह से दूसरी वाली टक्कर पे भी लगेगा, तो हम इसी का साइज का पीस एक और काट लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे दोनों पीस कटकर तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैं इन पर अपने ग्लो को लगा लेता हूँ, जो कि मैं हीटेक्स की मदद से इसको लगाने वाला हूँ। तो इसके नीचे आप प्लाई को या गत्ते को रख सकते हैं ताकि हमारा फर्श वगैरह पर हमारा ग्लो ना लगे, क्योंकि इसको छुटाने में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, आपको अपनी PVC टेप की एक थोड़े पीस की कटिंग कर लेनी है, 2 से 3 इंची का पीस आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे दोनों पीसों पे हीटेक्स लग चुका है, सेम इसी तरह से हम अपनी दराज की दोनों टकरों पे ग्लो को लगा लेते हैं। दोनों साइड पर प्रॉपर तरीके से हमने हीटेक्स को लगा लिया है, ये सूखने के बाद हमारा अच्छे से चिपकता है। तो दोस्तों, ये इतने सूखता है, हम इसके ऊपर के पीस की 2 की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं निशान, आपको इससे आधा एक सूत फालतू काट लेना है। तो ये मैंने एक सूत फालतू ले लिया है, इसके 2 पीस बना लेते हैं। सेम एक पीस इसके ऊपर लग जाएगा और एक पीस इसके नीचे लग जाएगा, तो आपको इसी से साइज ले लेना है इसका, तो आपको दोनों पीस की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, ये हमारे 2 पीस कटकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, हमने इसके साइड में जो हीटेक्स को लगाया हुआ है ये अभी तक नहीं सूखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके सूखता है। दोस्तों, जब ये आप इसको लगा लेते हैं तो आपको अपनी फिंगर से इस पर इस तरह से टच करना है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये अभी हमारा सूखा है, फिंगर यहाँ पर चिपक रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सूख जाना चाहिए। हम इस एक पीस पर हीटेक्स को लगाएंगे, इतने हमारे दोनों टक्कर हमें सूखी हुई मिल जाएंगी। दोस्तों, इस पीस पर भी हमारी हीटेक्स लगकर कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हमने इसके छोटे वाले पीस पर हीटेक्स लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छे से सूख चुके हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, कुछ लोग हवा करने बैठ जाते हैं, हवा करने से सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप हवा ना करके इन दोनों पीस को एक साइड में रख दें, जो कि इसमें पीस लगने वाले हैं उन पर इतने हीटेक्स लगा लें ताकि आपका टाइम इस हीटेक्स लगाने में वेस्ट हो जाए और काम काफी जल्दी हो जाए। मैं इसकी दोनों साइड पर इस पीसों को लगा लेता हूँ, कर लेना है। उसके बाद जब आपका दोनों जगह से सूख जाता है तो आपको इस सेंटर में करके बिल्कुल लगा देना है। तो ये आपको बराबर निकाल लेना है, ऐसा नहीं करना कि आपको इसकी एक ही टक्कर फेस में निकाल लेनी है। आपको इसकी दोनों टकरे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा दोनों टकरे आपको बाहर निकाल लेनी है। तो फिर ये जब आपका इस तरह से चिपक जाए, उसके बाद आपको हथौड़ी लेनी है। दोस्तों, आपको इस बात का इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप हीटेक्स का यूज करें आपके पास एक पट्टी होनी चाहिए, हथौड़ी होनी चाहिए। आपको इस पे चोट जरूर मारनी है, क्योंकि इससे ये होता है ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। जो दोस्तों, मैंने दराज को खड़ा कर लिया है, आपको भी खड़े करके लगा लेना है। तो हम इसकी दोनों साइड को फालतू निकाल लेते हैं और इसकी सभी जगह को आपको बराबर निकाल लेना है। तो उसके बाद आपको ये रंधे की टेक ले लेनी है, इस पर धार लगी भी होनी चाहिए आपकी, थोड़ा टेपर में रख लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह से चलाना है। दोस्तों, आप इसकी फिनिशिंग को देख सकते हैं, कितनी प्रॉपर तरीके से हमारी फिनिशिंग आती है। तो अब मैं इसी तरह से इसकी सभी साइड की फिनिशिंग कर लेता हूँ।
तो मैंने इसके सभी साइड की फिनिशिंग कर ली है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से फिनिशिंग हो चुकी है। लंबाई के पीस लगाकर दिखाता हूँ। पीवीसी टेप पर तो हमारा कंप्लीट हीटेक्स लग चुका है, अपनी दराज की टक्कर पर हीटेक्स को लगा लेता हूँ। तो आपको दोनों जगह पे सेम इसी तरह से अपने हीटेक्स को लगा लेना है। जगह से कम्प्लीटली सूख चुका है, उसके बाद में अब इसको चिपका देता हूँ। तो दोस्तों आप इसकी पास से फिनिशिंग देख सकते हैं, जो मैंने रंधे की टेक की मदद से की है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फिनिशिंग आई है। तो आप इस तरह से टक्कर टेप को लगा सकते हैं। और अगर आप हीटेक्स से लगाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं है, बिल्कुल ही हमारी माइका के फेस में लगा हुआ है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। जो कुछ किया है मैंने आपके सामने किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको तरीका कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने कारपेंटर भाइयों में। दोस्तों वीडियो में आपने देखा टक्कर टेप को किस तरह से लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा और ये तरीका आपकी समझ में भी आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लकड़ी के काम की सभी जानकारी की वीडियो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, और मेरे चैनल पर आपको लकड़ी के काम की सभी जानकारी मिल जाती है, वो काफी ज्यादा आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देखते रहें MZS वुडवर्क। खुदा।